नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग पर। क्या हम आपको सिखाते हैं कोडिंग और गेमिंग कुछ मस्ती के संग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे गेम के संग। यहाँ फिर मैं आ गया हूँ ये डायरेक्ट गेम लेकर। आज मैं आपको सिखाऊंगा ये गेम कैसे बनाते हैं P5 एडिटर पर। और फिर दोस्तों मैं आपको एक खास बात बता दूं, उस एडिटर से हम लोग इसका APK फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। APK यानी हम लोग उसका ऐप बना सकते हैं और वो ऐप फिर हम लोग अपने कोई भी फ़ोन पे रन कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है दोस्तों। और जैसा कि आपके कुछ कमेंट्स, प्राइवेट कमेंट्स ने मुझे बोला था कि भाई ये कैसे बनाते हैं, इसका APK जनरेट करके दे दो यार, तो मैं आज ये वीडियो लेकर आ गया हूँ जहाँ मैं आपको पहले P5 एडिटर पर ये बनाना सिखाऊंगा और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे जनरेट करते हैं इसका APK। तो इसके लिए दोस्तों हमें दो साइट लगेगा, एक पहला होगा हमारा P5 एडिटर और दूसरा होगा थंकेबल। P5 एडिटर दोस्तों एकदम code.org जैसा है, बस वो क्या है, वो थोड़ा और प्रोफेशनल साइट लगता है बाकियों से। और दोस्तों जो थंकेबल है उससे हम लोग कोई भी ऐप बना सकते हैं और वो हमें कोई भी वेब व्यूअर लिंक से एक ठो क्या बोलते हैं APK जनरेट करने का ऑप्शन भी देता है। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं हमारे P5 एडिटर वाले स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने P5 एडिटर वाले स्क्रीन पर। तो चलिए इसे प्ले करके देख लेते हैं ये कैसा दिखता है। तो मैं क्लियर पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये भी एकदम उसी गेम के जैसा दिख रहा है जैसा मैंने आपको अभी तुरंत दिखाया। इसके डाइमेंशंस भी वैसे हैं, इसका ग्राफिक्स एनिमेशन सब बिल्कुल सेम है दोस्तों। तो आप भी ऐसा ही एक गेम अपने आप बना भी सकते हो और इसका APK भी जनरेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं हमारे कोड वाले टैब पर। देखिए दोस्तों मैं अगर रिस्टार्ट पर क्लिक करता हूँ तो फिर से स्कोर भी बढ़ रहा है और ये वापस से शुरू भी हो गया है ना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज फिर से मैं कोड लिख कर नहीं बल्कि आपको समझा कर बताऊंगा, क्योंकि ये कोड कुछ ज़्यादा लंबा है, लिखने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं वीडियो को छोटा रखना चाहता हूँ। इसीलिए चलिए आप पॉज और प्ले करके इसे कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको पूरा कोड समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोड के संग। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कोड पे। तो मैंने पहला लाइन जैसा कि पहला तीन लाइन उसके तरह एकदम सेम है code.org के तरह। और दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले वो code.org वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आइल बटन पर उसका लिंक भी डाल देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं ये तीन लाइन को नहीं बता रहा हूं, आगे मैं जाता हूं और बताता हूं कि ये T-Rex और T-Rex रनिंग, मैं तीन वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, T-Rex रनिंग और T-Rex कोलाइडेड। दोस्तों आप देख सकते हो इसमें एक अंतर है, मैं एक ही लाइन में तीन वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो कि code.org में पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली मैंने तीन ग्राउंड के लिए किया, ग्राउंड इनविजिबल ग्राउंड और ग्राउंड इमेज। फिर मैंने दो ग्रुप किया, एक ग्रुप किया क्लाउड ग्रुप, एक ग्रुप किया ऑब्स्टेकल ग्रुप। और साथ ही में मैंने क्लाउड इमेज और ऑब्स्टेकल 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी बना लिया। फिर मैंने वेयर स्कोर क्रिएट किया और उसको वैल्यू 0 दे दिया। फिर मैंने गेम ओवर और रिस्टार्ट वाला बना दिया। फिर दोस्तों मैं नीचे जाके लोकल स्टोरेज में हाईएस्ट स्कोर रखा और उसे 0 कर दिया, ठीक है दोस्तों। फिर मैं एक फंक्शन प्रीलोड चालू किया। फंक्शन प्रीलोड में हम लोग दोस्तों सब में एनिमेशन डाल देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पहले T-Rex रनिंग को एनिमेशन दिए। तो दोस्तों इसमें यहाँ जाते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। आप इसे GitHub बोल के एक साइट है उससे अपलोड कर सकते हो इसका मतलब WinRAR फाइल, और फिर आप उसे इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने ये पहले से कर रखा है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये भी मैंने यहाँ पर मैंने इसे T-Rex 1, 3 और 4 के नाम से नेम किया, तो मैं वो यूज़ करता हूँ। और दोस्तों याद रखिएगा कि PNG फाइल्स का ही लीजिएगा और आपको ये सब एनिमेशन गूगल में इजीली अवेलेबल मिलेगा। फिर T-Rex को लाइटेड को मैं एक एनिमेशन दे देता हूँ। फिर मैं ग्राउंड को एक इमेज, क्लाउड को इमेज, फिर ऑब्स्टेकल्स को उसके इमेज, फिर मैं गेम ओवर इमेज और रिस्टार्ट इमेज डालता हूँ। फिर दोस्तों मैं कैनवस बनाता हूँ फंक्शन सेटअप के अंदर।
अब दोस्तों इसमें अंतर क्या है, उसमें फंक्शन ड्रॉ था कोड डॉट ओ आर जी में, इसमें फंक्शन सेटअप है। और क्रिएट कैनवस में दोस्तों इसमें एक फ़ायदा है कि हम लोग इसमें अपने साइज का कैनवस बना सकते हैं। उसमें हमें 400x400 का फिक्स्ड मिलता है, लेकिन यहाँ हम अपने साइज का कैनवस बना सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक लंबा और पतला बनाया जैसा कि एक्चुअल गेम का था। फिर दोस्तों मैं टीरेक्स को एक स्प्राइट बनाता हूँ, मैं उसे एनिमेशन देता हूँ रनिंग, और उसे एनिमेशन कोलाइडेड भी देता हूँ। फिर मैं उसे उससे स्केल कर देता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था हम लोग स्केल इसीलिए करते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना लगे, वो एडिक्वेट साइज़ का लगे। फिर हम लोग नीचे जाते हैं ग्राउंड के संग, हम लोग ग्राउंड को भी स्प्राइट बनाते हैं, उसमें एनिमेशन डालते हैं और उसका उसको नेवर एंडिंग कर देते हैं। फिर हम लोग उसको वेलोसिटी भी देते हैं जो कि बढ़ता रहेगा एज पर हमारा स्कोर के संग। फिर हम लोग गेम ओवर को बनाते हैं, ये जो गेम ओवर टेक्स्ट है ये बनाते हैं, और इसे हम लोग इमेज भी दे देते हैं। फिर हम लोग रिस्टार्ट के संग भी वही करते हैं। फिर हम लोग नीचे जाते हैं, हम लोग उन दोनों को स्केल करते हैं और उन दोनों की विजिबिलिटी फॉल्स कर देते हैं। फिर हम लोग इनविजिबल ग्राउंड बोल के एक स्प्राइट बनाते हैं और उसको भी इनविजिबल कर देते हैं उसका विजिबिलिटी फॉल्स करके। फिर हम लोग क्लाउड्स ग्रुप और ऑब्स्टेकल्स ग्रुप बनाते हैं और स्कोर भी बना लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग फंक्शन ड्रॉ यहाँ पे तीसरा फंक्शन चालू करते हैं। हमें ये पहला दो फंक्शन हर में रखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो फंक्शन ड्रॉ अब हम चालू करते हैं, जिसमें बेसिकली कोड एकदम सेम ही है। इसमें भी हम लोग बैकग्राउंड को कलर नहीं नंबर देते हैं दोस्तों, तो आप 255 दे दीजिएगा, ये एडिक्वेट नंबर है। आप कोई और नंबर भी देकर देख सकते हो, लेकिन मैंने 255 दिया है। फिर दोस्तों हम लोग गेम स्टेट इज इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्ले शुरू करते हैं, जहाँ पर हम लोग पहले स्कोर डालते हैं, फिर ग्राउंड को वेलोसिटी देते हैं, फिर स्पेस की को फंक्शन देते हैं दोस्तों ताकि वो स्पेस की दबाने पर ये कूदे। फिर हम लोग ग्रेविटी ऐड करते हैं, हम लोग ग्राउंड को फिर से नेवर एंडिंग बनाते हैं ताकि वो हमेशा के लिए नेवर एंडिंग रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का एक इनफाइनाइट लूप होता है। फिर दोस्तों हम लोग इसमें स्पॉन ऑब्स्टेकल्स और स्पॉन क्लाउड्स बुलाते हैं, टीरेक्स को इनविजिबल ग्राउंड से कोलाइड करवाते हैं दोस्तों, ताकि ऐसा एहसास हो प्लेयर को कि वो सच में एक रियलिस्टिक गेम खेल रहा है। फिर हम लोग दिखा देते हैं कि अगर ऑब्स्टेकल्स ग्रुप को अगर वो टीरेक्स टच करता है तो गेम स्टेट एंड में बदल जाना चाहिए। फिर जैसे ही गेम स्टेट एंड होता है दोस्तों, एंड में बदल जाता है दोस्तों, तो हम लोग गेम ओवर और रिस्टार्ट का विजिबिलिटी ट्रू कर देते हैं, हम लोग ग्राउंड का वेलोसिटी जीरो कर देते हैं, टीरेक्स का वेलोसिटी जीरो कर देते हैं, हम लोग टीरेक्स का एनिमेशन यहाँ पर चेंज भी करते हैं, हम लोग क्लाउड्स ग्रुप और ऑब्स्टेकल्स ग्रुप का वेलोसिटी जीरो कर देते हैं, हम लोग दोनों का लाइफ टाइम नेगेटिव में ले आते हैं ताकि वो हटे ना, और हम लोग इस रिस्टार्ट बटन को भी फंक्शन दे देते हैं। फिर हम लोग ड्रॉ स्प्राइट्स लिखते हैं ताकि सारे स्प्राइट्स जो हमने बनाया वो यहाँ पर आ जाए, और फिर हम लोग फंक्शन स्पॉन क्लाउड्स पर जाते हैं। दोस्तों मैं अपने इस वीडियो में थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कोड ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, कुछ छोटे मोटे चेंजेस है। तो मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप मेरा कोड डॉट ओ आर जी में मैंने जो ये सेम गेम बनाया था वो एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आप देखने से आपको ये कोड पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, और आप इसे अच्छे से बना पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोड के साथ। तो फिर यहाँ पे मैंने वहाँ पर हम लोग वर्ल्ड डॉट फ्रेम काउंट यूज़ करते हैं, यहाँ हम लोग ने सिर्फ फ्रेम काउंट यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपको बोला, छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं वो हम लोग हर वीडियो में मतलब हर एडिटर में चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वो सब ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग ने क्लाउड्स बनाया, उसको एनिमेशन दिया, उसको वेलोसिटी दिया, उसको स्केल किया, फिर उसे लाइफ टाइम दिया, यहाँ पर उसका डेप्थ इंक्रीज किया, डेप्थ डिक्रीज किया दोस्तों, ताकि जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे जब से क्लाउड्स आने लगेंगे दोस्तों, एक मिनट मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ये टीरेक्स क्लाउड्स के ऊपर जाएगा दोस्तों, तो आप देखिएगा कि क्लाउड्स नहीं, ये टीरेक्स पहले दिखेगा। देखिए दोस्तों, तो आपको ये टीरेक्स क्लाउड्स के ऊपर दिख रहा होगा, है ना दोस्तों। लेकिन अगर हम लोग ने ये डेप्थ नहीं डाला होता तो क्लाउड पहले दिखता और टीरेक्स पीछे दिखता, तो वो एरर हटाने के लिए हम लोग ने ये किया। फिर दोस्तों मैंने ये क्लाउड्स ग्रुप को क्लाउड ग्रुप में क्लाउड को ऐड कर दिया। फिर दोस्तों हम लोग आ जाते हैं फंक्शन स्पॉन ऑब्स्टेकल्स पर। स्पॉन ऑब्स्टेकल्स पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि पहले हम लोग ऑब्स्टेकल्स को
फ्रेम काउंट से बनाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग उसको वेलोसिटी देंगे, फिर हम लोग को जैसा कि रैंडम ऑब्स्टेकल्स बनाने के, देखिए मैंने कमेंट में लिख भी रखा है जनरेट रैंडम ऑब्स्टेकल्स, तो उसके लिए हम लोग एक रैंडम नंबर बनाएंगे 1 to 6 और फिर उसे एक स्विच केस में डाल देंगे और उसे केस 6 तक ले जाएंगे और फिर डिफॉल्ट में हम लोग उसे ब्रेक कर देंगे। फिर दोस्तों हम लोग उसे स्केल करेंगे, लाइफ टाइम देंगे और उसे ऑब्स्टेकल्स ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर दोस्तों हमारा आखिरी फंक्शन रीसेट, जहाँ पर गेम स्टेट और ये सब मैंने प्ले कर देना है, हम लोग को फिर गेम ओवर और रीस्टार्ट का विजिबिलिटी फॉल्स करना है, ऑब्स्टेकल ग्रुप का सबको डिस्ट्रॉय कर देना है, टीरेक्स रनिंग का एनिमेशन फिर से रनिंग में ले आना है दोस्तों, लोकल स्टोरेज जो है हमारा उसमें हम लोग को हाईएस्ट स्कोर सेव रखना है और कंसोल डॉट लॉग में उसे प्रिंट भी कर लेना है, और फिर दोस्तों हम लोग को स्कोर फिर से जीरो कर देना है ताकि स्कोर कंटिन्यू ना हो। तो दोस्तों अभी तक ने आपने देखा कि मैंने पूरा अच्छे से ये कोड बना लिया है और अब मैं इसे प्ले करके एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रीव्यू वापस से आएगा, ये देखिए दोस्तों री प्रीव्यू आएगा इसमें, तो आप भी ये प्रीव्यू अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताइए, मैं आपको ये कोड सेंड कर दूंगा, ये कोड आप देख लीजिएगा और आप एरर फाइंड कर लीजिएगा दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों आपके पास फिर भी अगर कोई एरर होता है तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, मैं वो एरर पक्का सॉल्व करूंगा दोस्तों, इतना विश्वास मेरे ऊपर रखिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया ये P5 एडिटर पर कैसे करते हैं इस कोड को कंप्लीट, ठीक है ना दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा कैसे इसके लिंक को थंकेबल में डालना है और कैसे उसकी APK जनरेट करनी है। इस वीडियो के एंड में दोस्तों आपको उस वीडियो का लिंक ज़रूर मिलेगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा वो लिंक पर क्लिक करते ही, और मैं code.org वाले वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा ताकि आप वो वीडियो भी देख पाओ। दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार वो code.org वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद भी, क्योंकि वो वाला वीडियो देखने से आपका ये जो कोड में छोटा मोटा जो एरर्स होगा दोस्तों वो शायद सॉल्व हो जाए, और अगर वो फिर भी नहीं होता है तो फिर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा और मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए चलते हैं, हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा, और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, आपका प्यार बेकरार रखिएगा और मैं वीडियोस के संग आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बाय बाय टाटा।